आजम का जलवा पूरी दुनिया में बरकरार। बाबर के सामने कहीं टिकते ही नहीं रोहित विराट। बाबर आजम ने बुलंद किया अपना भौकाल। बाबर ने कर दिया कमाल, देखकर सब हैरान परेशान। बाबर भाई, बाबर भाई का ना जलवा है यार। मतलब जो कहो, जो मर्जी इस बंदे को कह लो, एक बात तो है इसमें, रन बनाना नहीं भूलता है कभी। मतलब आज पेशावर जालमी के बल्लेबाज भाई पूरी तरह से जुल्म ढा रहे हैं। सैम अय्यूब 46 रन, 64 रन बाबर आजम ने बनाए। जो स्टार्ट आज इन दोनों ने दी थी ना भाई, ये बंदा किसी के हाथ नहीं आने वाला, किसी के हाथ नहीं आने वाला। रन पे रन, रन पे रन, रन पे रन, कूटे जा रहा है, कूटे जा रहा है, कूटे जा रहा है भाई। बाबर भाई का ना जलवा है यार। मतलब जो कहो, जो मर्जी इस बंदे को कह लो, एक बात तो है इसमें, रन बनाना नहीं भूलता है कभी। मतलब खेलने अगर उतरा तो बहुत कम ही चांस होता है कि इसको कोई आउट कर दे, वो भी जल्दी, क्योंकि बहुत ग्राउंडेड शॉट्स मारता है। और जो शॉट्स भी बाबर खेलता है ना, कसम से माशाल्लाह ही निकलता है मुंह से, एकदम चुम्मेश्वरी शॉट। आज जब बाबर आजम ने पहला चौका मारा था ना भाई, कवर ड्राइव, उसके बाद जो अगली गेंद पे चौका मारा वो था फ्लिक शॉट। ये दोनों इतनी खूबसूरती से बाबर आजम खेलता है कि मजा ही आ जाता है। एक टाइम ऐसा था जब बाबर 11 बॉल पे 22 रन बना के खेल रहे थे, और दूसरी तरफ से सैम अय्यूब अलग लेवल पे वो पागल हो रखा था भाई। सैम अय्यूब मारे जा रहा था, मारे जा रहा था, मारे जा रहा था, 22 बॉल में 46 रन बना के आउट हुआ है सैम अय्यूब। आई थिंक बुरा क्या, मतलब वर्ल्ड कप खराब रहा ना, एशिया कप खराब रहा। लेकिन उसके बाद से बाबर ने 2024 में जितने भी T20 मैचेस खेले हैं भाई, ये बंदा किसी के हाथ नहीं आने वाला, किसी के हाथ नहीं आने वाला। रन पे रन, रन पे रन, रन पे रन, कूटे जा रहा है, कूटे जा रहा है, कूटे जा रहा है। और यही होता है क्लास, इसी को तो कहते एक लेगेसी जो बाबर की बन रही है ना, वो आने वाले टाइम में पाकिस्तानियों को रियलाइज होगा। नहीं, अभी रियलाइज नहीं होगा, अभी नहीं होगा, बाद में होगा। तो पेशावर जलमी ने 204 रन बनाए, 5 चौका और 5 छक्का मारा। अब स्कोर जो है ना, एक टाइम ऐसा लग रहा था कि सीधा 240 जाएगा, क्योंकि 84 रन की पार्टनरशिप जो है 7 ओवर में हो गई थी भाई साहब। मतलब पावर प्ले के बाद जो पहला ओवर था उसकी आखिरी गेंद पर, उस ओवर की आखिरी गेंद पर जो है सैम अय्यूब का विकेट गिरा। 84 का तूफान आज पेशावर जालमी के बल्लेबाज भाई पूरी तरह से जुल्म ढा रहे हैं। सैम अय्यूब 46 रन, 64 रन बाबर आजम ने बनाए। जो स्टार्ट आज इन दोनों ने दी थी ना, हालांकि सैम अय्यूब के विकेट के बाद एक टाइम पर वहां बाबर आजम हमें थोड़े बहुत स्लो होते हुए नजर आए, थोड़े से स्लो हो गए थे बाबर आजम, रन नहीं आ रहे थे। बाबर आजम वो नाम है जो शायद ही पहले कभी पीसीबी के जानिब से इंट्रोड्यूस करवाया गया। बाबर आजम वो नाम है जो पहली मरतबा पाकिस्तान को ऐसा हीरा मिला। बाबर आजम वो नाम है जिसका चर्चा पूरी दुनिया में है। बाबर आजम वो है जिसकी ICC ने अपने ऑफिशियल ट्विटर के अकाउंट के ऊपर अपनी जो बैकग्राउंड फोटो है बाबर आजम की लगाई। पहली मरतबा एक पाकिस्तानी खिलाड़ी की फोटो लगी है, अदरवाइज इससे पहले पाकिस्तान तो क्या किसी भी खिलाड़ी की फोटो आज तक ICC ने अपने ट्विटर ऑफिशियल अकाउंट पर बैकग्राउंड फोटो नहीं लगाई। इसके अलावा मजीद बाबर आजम वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाते जा रहे हैं। PSL 9 के सबसे ज्यादा टॉप स्कोर प्लेयर बाबर आजम, हर मैच में 50 तकरीबन ज्यादा स्कोर करने वाले प्लेयर बाबर आजम, हर मैच में अपने टीम को सपोर्ट करने वाले प्लेयर बाबर आजम, हर मैच के हर हाल में परफॉर्मेंस देने वाले प्लेयर बाबर आजम। इसके बाद भारतीय मीडिया चौंका गया। भारतीय मीडिया कहना है कि हम परेशान है कि बाबर आजम किस तरह हर मैच के अंदर परफॉर्म कर रहे हैं। आखिरकार क्योंकि विराट कोहली है, रोहित शर्मा है, दुनिया के बड़े बड़े प्लेयर है, लेकिन किसी न किसी मैच में वो चूक जाते हैं, वो धोखा दे जाते हैं। लेकिन बाबर आजम वो नाम है जो किसी भी PSL के मैच में ड्रॉप आउट नहीं हो रहा, जिसका बल्ला किसी भी मैच में रुका। कोई भी बॉलर हो, चाहे पाकिस्तानी, चाहे फॉरेन बॉलर हो, चाहे ग्राउंड इंडिया का हो, चाहे पाकिस्तान का, चाहे कराची का, चाहे लाहौर का, हर ग्राउंड में बाबर आजम अपनी स्कोर कर रहे हैं। वो अलग बात है कि उसके बाद टीम परफॉर्मेंस की टीम जीते ही हारे, लेकिन बाबर आजम टीम की परफॉर्मेंस में अपना किरदार अदा कर रहे हैं।
मतलब विक्रांत गुप्ता कह रहे हैं कि बाबर आजम ऐसे ही फास्ट टच नहीं खेल रहे हैं, पावर प्ले तो पावर प्ले के बाद के ओवर भी बड़े अच्छे तरीके से खेल रहे हैं, और अगर ऐसा ही खेलते रहे तो उनकी टीम बहुत जल्द पीएसएल जीत जाएगी। ना सिर्फ पीएसएल बल्कि आगे टी20 वर्ल्ड कप आ रहा है, क्योंकि अभी बाबर का बल्ला खुलना शुरू हुआ है और खुलता ही जा रहा है, और अगर टी20 वर्ल्ड कप तक ये बल्ला खुला रहा तो टी20 वर्ल्ड कप के अंदर तबाही फेर देगा। और उनका काम ही यही होता है कि मैच को किसी तरीके से जो है आगे बढ़ाए, रन भी बनाए और टीम के स्कोर में भी जो है हम मदद करें। बाबर आजम इसी टाइप के बल्लेबाज है, कंसिस्टेंसी के किंग माने जाते हैं। टी20 फॉर्मेट हो या वनडे फॉर्मेट हो या टेस्ट फॉर्मेट हो, लगातार बाबर आजम को सिर्फ एक ही काम करना आता है, वो है रन्स बनाना। रन्स पे रन्स ये खिलाड़ी बनाता जाता है और इतना आसान बना दिया है बाबर आजम ने रन बनाना, 50 लगाना, सेंचुरी लगाना, कि लोगों को लगता है कि ये चीज बड़ी इजी है, लेकिन बाकी के खिलाड़ियों से नहीं होता है। अच्छा, दूसरी बात ये कि 160 का स्ट्राइक रेट बाबर आजम का इस दौरान, क्योंकि मैं 160 इसलिए बोल रहा हूं क्योंकि बहुत सारे जो है ना यहाँ पे स्ट्राइक रेट मर्चेंट वगैरह बड़ी बात करते रहते स्ट्राइक रेट के बारे में। इसके बाद रोमन पॉवेल ने 15 गेंदों पे 23 रन बनाए, एक चौका, दो छक्का। ध्यान देने वाली बात यह है ना कि बाबर आजम जो है ना वो पीएसएल इतिहास का सबसे ज्यादा रन बनाने वाला बल्लेबाज है, सबसे ज्यादा 50 लगाने वाला बल्लेबाज है, और सबसे ज्यादा चौके लगाने वाले बल्लेबाज है, और सबसे ज्यादा बढ़िया इनका बैटिंग एवरेज भी है। मतलब कि अगर मिस्टर पीएसएल का खिताब दिया जाए तो बाबर आजम, मतलब पीएसएल का मतलब ही होता है बाबर आजम, दैट्स इट। चाहे कोई भी खेले, मतलब पीएसएल का मतलब है बाबर आजम। अब दूसरी बात ये कि जब बाबर खेल रहे होते हैं ना तो सामने वाली टीम की भी ना लंका लगी होती है। आज जब बाबर खेल रहा था ना भाई साहब, मोहम्मद रिजवान का ना मुंह सूख गया था, क्योंकि उनको पता है कि यार जब ये बंदा रिदम में होगा ना तो उनको रोकना बड़ा मुश्किल होता है। कि बाबर आजम पे ये भी इल्जाम लगता है कि वो रावलपिंडी जैसे मैदान पे रन्स करते हैं जहां पे फ्लैट विकेटें होती हैं, तो ये भी बात हो जाती है कि अगर बाबर आजम ही फ्लैट विकेट पे रन करते हैं तो बाकी खिलाड़ियों को भी करना चाहिए। बाकी खिलाड़ी नहीं करते तो इसका मतलब है कि कुछ ना कुछ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी इस खिलाड़ी में है, जिसकी बदौलत ये कंसिस्टेंसी को मेंटेन करके रखता है और रन्स पे रन्स करता है। इस समय बाबर आजम पीएसएल में सबसे ज्यादा रन बनाने वाले बल्लेबाज है। इस समय बाबर आजम इस सीजन के पीएसएल में सबसे ज्यादा रन बनाने वाले बल्लेबाज है। अब बाबर ने आज क्या किया, बाबर ने आज 35 बॉल पे इन्होंने अपना 50 लगाया, पीएसएल इतिहास में सबसे ज्यादा 50 लगाने का रिकॉर्ड भी जो है वो इसी के नाम है, मतलब बाबर आजम के ही नाम है। और उन्होंने जो है 40 गेंदों पे 64 रन की शानदार इनिंग्स खेली है, शानदार इनिंग्स खेली है। 150 कम का स्ट्राइक रेट रहा, मुल्तान सुल्तान्स के खिलाफ मुकाबला हो रहा है और बाबर आजम जब खेलते हैं इनके फैंस यही दुआ करते रहते हैं कि बाबर के बल्ले से आज शतक आए। लेकिन जिस तरीके से बाबर आजम आज हिटिंग कर रहे थे, हालांकि सैम अय्यूब के साथ आए थे तो लगभग में 3.5-4 ओवर में